नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन भी फाइंड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने अगेन टी की वैल्यू को फाइंड करना है और एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन नंबर 33 में आपने एक्स की वैल्यू को, क्वेश्चन नंबर 34 में भी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 35 से ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन इनइक्वालिटीज के, लेकिन यहाँ पे भी आपने एक्स की वैल्यूज को ही कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन नंबर 36 है -4 <3x+5>. क्वेश्चन नंबर 37 है -6 <x-2/4>. क्वेश्चन नंबर 38 है 3x-10>= 5 <x+3>. अगेन यहाँ से आपने x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 2x+3y-1=0. यहाँ से आपने m और c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होता है यहाँ से. क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर भी एक इक्वेशन दी गई है 3x+y-1=0. अगेन यहाँ से आपने m और c की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 2x=y+3. यहाँ से भी आपने m और c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर है ये 42. आपने वेरीफाई करना है द फॉलोइंग पॉइंट्स 2x-y+1=0 और नॉट. और ये हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है वो है 2 और 3. क्वेश्चन नंबर 43 में ऑर्डर पेयर है -1 और 1. आपने वेरीफाई करना है कि क्या ये ऑर्डर पेयर इस लाइन के ऊपर मौजूद है या फिर नहीं. लाइन कौन सी होगी, हमारा जो ग्राफ होगा वो 2x-y+1=0 है. क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 44 है, आपके पास ऑर्डर पेयर है 5 और 3. आपने वेरीफाई करना है कि क्या ये जो ऑर्डर पेयर है ये 2x-y+1=0 की लाइन पे मौजूद है या फिर नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने फैक्टराइजेशन करनी है 45 में भी, 46, 47, 48, 49. ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपकी फैक्टराइजेशन होगी. क्वेश्चन नंबर जो 50 है इसमें आपने डिटरमिन करना है x-2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 51 और 52 अगेन फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है. 53, 54, 55 ये अगेन फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हैं. 56 में आपने फैक्टराइजेशन के थ्रू स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड करना है, ये आपके पास है पॉलीनोमियल. क्वेश्चन नंबर 57 को आपने सिंपलीफाई करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. 58 में भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 59 में भी, और 60 क्वेश्चन में भी आपने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट आती है हमारे पास डेफिनेशन अगेन है. सबसे पहले डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तारीफ करें. सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन राइट डिस्टेंस फॉर्मूला, डिफरेंशिएट बिटवीन कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, आइसोस्केल ट्रायंगल्स क्या होती हैं, पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं, तमासल मसले से क्या होती हैं. जितनी भी ये डायग्राम बनाने वाली हैं डेफिनेशन, इसके अंदर डायग्राम के साथ आप इसको एलेबोरेट करेंगे तो आपकी इजीली मार्क्स 2/2 आपको मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने बताना है एस ए एस पॉस्टुलेट जिला जाविया जिला का मौजूदा ए एस ए कॉन्ग्रुएंट टू ए एस ए. इसका क्या मतलब है, जाविया जिला. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है. जिला s.s.s इज कॉन्ग्रुएंट टू s.s.s. ये जो आपकी हैं चैप्टर नंबर 9, 10 या 11, 12 उनकी रिव्यूज के अंदर आपको सारी डेफिनेशन इजीली मिल जाएगी. उनकी समरीज के अंदर ये सारी डेफिनेशन लिखी हुई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने पॉस्टुलेट लिखना है s.s.s. उसके बाद आपने बताना है व्हाट इज मीन बाय h.s. h मीन हाइपोटेन्यूज एंड s मीन साइड. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, ये आपके पास ऑर्डर पेयर दिए हैं, आपने इसका डिस्टेंस फॉर्म लगा के यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपके पास दो ऑर्डर पेयर हैं, आपने यहाँ से डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर भी आपके पास दो ये ऑर्डर पेयर दिए हैं, आपने यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू जो इनके दरमियान फासला है उसको मालूम कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 16 है लेट पी बी द पॉइंट एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट ए एंड क्यू बी द पॉइंट वाई एक्सिस विद वाई कोऑर्डिनेट बी एज गिवन बिलो. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू. एक ऑर्डर पेयर आपके पास ये वाली वैल्यू दी हुई है, एक वैल्यू बन जाएगा, एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा 2 और 0 का, दूसरा आपके पास बन जाएगा 0 और 3 का. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आपके पास अगेन एक ही ऑर्डर पेयर यहाँ बनेगा, दूसरे के ऑर्डर पेयर के लिए आपके पास जो वैल्यूज है वो 0 0 आ जाएंगी. नेक्स्ट आपने इसके अंदर भी डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करना है. उसके बाद अगला सवाल है ए और बी दो मैट्रिसेस, दो आपके पास हैं ये ऑर्डर पेयर्स और आपने दरमियान मिड पॉइंट दरमियान नुकता मालूम करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने मिड पॉइंट ही कैलकुलेट करना है. दो आपके पास ऑर्डर पेयर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन है पैरेललोग्राम, मुतवाजले अज़ला की तारीफ करें. डिफाइन आर रेशियो, डिफाइन प्रोपोर्शन, डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, डिफाइन पाइथागोरस, राइट इट्स फार्मूला.
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कन्वर्स पैथागोरस थ्योरम, डिफाइन ट्राइंगुलर रीजन, डिफाइन रेक्टेंगुलर रीजन, डिफाइन एल्टीट्यूड फॉर ट्राइंगल मुसलस के इर्तफा की तारीफ, डिफाइन कॉन्कुरेंट लाइंस हम नुक्ता खतूत की तारीफ, डिफाइन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस खतूत के नुक्ता इतसाल की तारीफ करें, डिफाइन इन सेंटर ऑफ अ सर्कल मुसलस के अंदरूनी मरकज की, डिफाइन सर्कम सेंटर मुसलस के महासरा मरकज की, डिफाइन ऑर्थो सेंटर मुसलस के अमूदी मरकज की तारीफ करें, डिफाइन सेंट्रॉइड ऑफ सर्कल मुसलस के मरकज नुमा की तारीफ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये बहुत सिंपल से हैं। ये ट्राइंगल है आपके पास, डी ई जो है ये पैरेलल है बी सी के, और अगेन इसने आपको ये वैल्यू बता दी है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू 3/5, और ए सी की वैल्यू दी है आपने मैयर ए ई, यहाँ से फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फॉलोइंग द मेजर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल वेरीफाई दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल, ए की वैल्यू दी है, बी की दी और सी की दी है, आपने वेरीफाई करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की वैल्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके पास तीन वैल्यूज हैं ए बी सी, और आपने अगेन वेरीफाई करना है कि ये कायम अज़ाबे मुसलस की लंबाइयाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड टू ए बी आर द मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर एन बी आर द टू रियल नंबर्स। थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ मेजर्स 8, x एंड 17 रिस्पेक्टिवली, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल इट बिकम बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपने इसमें कायदा मालूम करना है, पैथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे अगेन लगाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने की शक्ल के मुताबिक एक हवाई जहाज 300 मीटर की बुलंदी पर है, इसका एयरपोर्ट से उसकी फासला 500 मीटर है, उसको एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कितना फासला दरकार होगा। ठीक है, आपने यहाँ से इसके जो वितर की लंबाई है वो उसको आपने एक्सपोज कर लेना है, उसको कैलकुलेट करना है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने एक ट्रायंगल बनानी है, ये जो मेजरमेंट्स है उनकी वो अगेन आपको दी हुई हैं। ठीक है, तीनों लंबाइयां दे दी हैं, इसके अंदर जो है इसका मदार जिमल वो आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 42 में भी आपके पास दो लेंथ्स दी हुई हैं और एक साइड पे आपको एंगल दिया हुआ है, इसको आपने जो है वो ड्रॉ करनी है अपनी ट्राइंगल। अगले सवाल में आपके पास ऑर्डर पेयर्स हैं, इसमें आपने डिस्टेंस मालूम करना है, फासला मालूम करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, ए और बी दो आपके पास हैं ऑर्डर पेयर्स और आपने मिड पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, दो आपके पास ऑर्डर पेयर्स हैं, आपने इनके दरमियान फासला मालूम करना है। 46 क्वेश्चन में आपने मिड पॉइंट मालूम करना है। 47 में आपने बताना है, यहाँ से आपने एम की और एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने अननोन वैल्यूज आपके पास पैरेललोग्राम दी है, आपने यहाँ से एक्स और ये जो एम है इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने एम और एन दो वेरिएबल्स को कैलकुलेट करना है। अगले सवाल में आपके पास बताया गया है कि ये आपके पैरेललोग्राम है, आमने सामने के जो जिनके ऑपोजिट एंगल्स हैं वो दिए हुए, इनका जो सम है वो 110 की इक्वल है, जो रिमेनिंग एंगल्स है वो कैलकुलेट करें। ओके जी, नेक्स्ट लेंथ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास तीन लंबाइयां दी हुई हैं, आपने वेरीफाई करना है कि ये किसी मसलस की लंबाइयां हैं या फिर नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है पैथागोरस थ्योरम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने अगेन एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है पैथागोरस थ्योरम के थ्रू। ओके जी, उसके बाद जो अगला सवाल है उसमें भी एक्स फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में आपने एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है, आपने 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके जी, उसके बाद अगला सवाल है स्क्वायर का आपने एरिया फाइंड आउट करना है, एल क्रॉस एल आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ओके जी, अगला सवाल है एरिया आपने इस शेप का कैलकुलेट करना है, 1/2 क्रॉस बेस क्रॉस हाइट, डिफाइन एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्राइंगल मसलस के इर्तफा की तारीफ करें। नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर ए हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल रिमेनेंट ऑफ ए आई। ठीक है, आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स वादा निकाला। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास बी की वैल्यू दी हुई है, आपने वेरीफाई करना है बी बी इनवर्स इज इक्वल टू आई एंड इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने आपके पास है ये दो इक्वेशन 2x plus y is equal to 3 and 6x plus y plus 5y is equal to 1, इसको आपने सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से और क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। x और y दोनों की वैल्यूज सेम होनी चाहिए।
ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने इसको आपने जो सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन आया है, 2.4 में से। उसके बाद जो अगला सवाल है वो भी चैप्टर नंबर जो भी 2.4 में से है, इसका जो आंसर है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, एक्सपोनेंट के जो लास्ट है उसको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8th वाला सवाल वो 2.6 में से आया है, ठीक है, जिसका आंसर है वो ए प्लस बी आटा की फॉर्म में नहीं, बल्कि यहाँ से आपने एक्स और वाई की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। उसके बाद अगला सवाल है 9वां, इसमें आपने इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें भी आपने सिंप्लीफाई करना है, ये चैप्टर नंबर 2 में से सवाल आ रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ये है लोगार्थम वाले चैप्टर में से 0.678 × 9.01/0.0234। आपने लोगार्थम की टेबल को यूटिलाइज करते हुए यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने लोगार्थमिक फॉर्म में इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी। ये सारे जो क्वेश्चन है ये 3.4 में से आए हैं, ठीक है। ये है वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 r², ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, 1/(x-1) - 1/(x+1) - 2/(x²+1) - 4/(x⁴-1)। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपने सिंप्लीफाई करना है, x² + x²/y (x+1), ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, a² + b² + c² = 45, a + b + c = -1, आपने ab + bc + a कैलकुलेट करना है। अगेन आपने यहाँ पे भी वही वाला प्रोसेस करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी आपने वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, बस यहाँ पे वेरिएबल्स चेंज है और जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है वो चेंज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 3x + 1/3x = 5, आपने कैलकुलेट करना है 27x³ + 1/27x³। क्वेश्चन नंबर 11 है, if x = 2 + √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x and x - 1/x²। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपने अगर बी की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, √3 - 1/√3 + 1 + √3 + 1 + √3 + 1 √3 - 1 = a + b√3। क्वेश्चन नंबर 13 है, p = 2 + √3, आपने कैलकुलेट करना है p² + 1/p². नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपने सिंप्लीफाई करना है और उसके अगला क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई वाला है। ये दोनों, बल्कि ये तीनों क्वेश्चन है ये आपके रिव्यू में से आए हैं, चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू से, सॉरी चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x²/4 + 1/x²/4 - 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसको यूज करते हुए वैल्यू को, इसको यूज करते हुए आपने इसमें से एक्स वैल्यू को फाइंड, के की वैल्यू को निकालना है और यहाँ से आपने एम की वैल्यू को कैलकुलेट करना है जो कि डिविजिबल होगा विद x+2। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी आपके पास एक पॉलीनोमियल दी गई है और एक दूसरी पॉलीनोमियल भी है और इन दोनों को आपने इक्वेट करना है, इक्वल रखना है और फिर यहाँ पे आपने इसमें से एक्स की वैल्यू को निकाल के वो इस दोनों पॉलीनोमियल्स के अंदर पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने m और l दो वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, एज अ फैक्टर x+4 एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x-2, फाइंड द वैल्यू ऑफ l एंड m, भी चैप्टर नंबर 6 में से क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने a और b दो वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपने इसको जो सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 7 में से क्वेश्चन है, इसको अपने सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को भी अपने सिंप्लीफाई करना है और ये क्वेश्चन नंबर 3 में से भी सिंप्लीफिकेशन करनी है। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके 60 से अबव मार्क्स इजीली आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने अपनी पूरी बुक की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से पहले से भी की हुई है तो इंशाल्लाह आपके 75/75 मार्क्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें भी आपने इसको सिंप्लीफाई जस्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने सिंप्लीफाई करना है। ये सारे क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 7 में से आ रहे हैं, ये वाला चैप्टर भी, ये वाला क्वेश्चन भी चैप्टर 7 से है, ये चैप्टर नंबर 7 में से है, 7.3 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी और इस क्वेश्चन में भी आपने जो सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट आती है हमारे पास ट्रायंगल बनानी है और आपने एंगल की बाइसेक्शन भी करनी है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन, उसमें आपने एल्टीट्यूड की बाइसेक्शन करनी है और उसके बाद जो अगला सवाल है ट्रायंगल बनानी है और आपने उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
ट्रायंगल बनानी है और आपने इसके तीनों जो मीडियंस हैं वो बताने हैं कि वो कॉन्करेंट हैं या फिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और साथ में रिजल्ट्स को चेक भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15th वाला, उसमें भी अगेन आपने एक्स की वैल्यू को ना सिर्फ फाइंड आउट करना है बल्कि उसकी चेकिंग भी करनी है, पड़ताल भी करनी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो कौन से हैं। चैप्टर नंबर 12 और जो 16 है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रूव दैट एनी पॉइंट द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। साबित करें अगर एक नुक्ता किसी मुस्तकत के अमूदी नासे पर वाक़ हो तो वह नुक्ता के दखत के सिरे से मुसाविल फासला होगा। प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। प्रूव दैट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। साबित करें किसी मुसलस के इजला के अमूदी नासिब हम नुक्ता होते हैं। साबित करें किसी जाविये के नासिब पर हर एक नुक्ता उसके बाजुओं से मुसाविल फासला होता है। साबित करें कि किसी मुसलस के तीनों जाविये हम नुक्ता होते हैं। तो जो छोटी स्टेटमेंट वाले थेरम्स होते हैं, जो क्वेश्चन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू लेंथी वन। नेक्स्ट स्टेप नंबर 16 में से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। साबित करें कि एक ही कायदे पर वाक़ मतवाजले जाशकाल जो कायदा खत और इसके मुस्तवाजी किसी खत के दरमियान वाक़ हो या उनके इरतफा बराबर हो, रकबा में बराबर होंगी। प्रूव दैट द पैरेलोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग द सेम और इक्वल एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। साबित करें कि बराबर कायदों पर वाक़ और बराबर इरतफा वाली मुतवाजले अज़ला अशकाल रकबे में बराबर होती हैं। तो ये हमारे पास 9th क्लास का जो साइंस का गेस्ट पेपर है ये कंप्लीट होता है। साइंस जो साइंस ग्रुप का मैथ्स का है हमारे पास गेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है रिलेटेड टू मैथ्स तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स से लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।